दोस्तों, आपने छोटे होते से एलियंस, जादू ये सब तो सुना होगा, पर क्या एलियंस सच में हैं? एक दूसरी जगह या दूसरे सियारे से आए लोग क्या सच में होते हैं? पर दोस्तों, अमेरिका में बहुत दफा अननोन ऑब्जेक्ट देखे गए हैं। वहां पर बहुत दफा एलियंस को देखे जाने का दावा किया गया है। कई दफा आसमान पर एक गोल फुटबॉल जैसी चीज देखी गई और कहा गया ये यूएफओ है। इसकी बहुत बड़ी मिसाल 51 एरिया भी है, जहां पर कहा जाता है कि यहां पर एलियंस रहते हैं। तो दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज ये है, एयरफोर्स ऑफिसर डेविड ग्रश, उन्होंने कसम खाकर पब्लिक के सामने कहा है कि यूएसए की गवर्नमेंट के पास दूसरी दुनिया की यूएफओ के टुकड़े और साथ ही साथ दूसरी दुनिया में रहने वाले इंसान यानी कि एलियंस की बॉडी भी मौजूद है। ऐसा लगता है कि हिस्ट्री में पहली बार एलियंस के बारे में इस तरह ओपन तरीके से बात की जा रही है। If you believe we have crashed craft, stated earlier, do we have the bodies of the pilots who piloted this craft? As I've stated publicly already in my News Nation interview, biologics came with some of these recoveries. Yeah. Were they, I guess, human or non-human biologics? Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program. और उनका कहना है कि गवर्नमेंट 1930 से लेकर अभी तक लोगों से ये सब छुपा रही है। ऐसे बहुत से इंसिडेंट होते हैं जिसमें यूएफओ देखे गए और वो क्रैश होते हुए भी नजर आए और इनके मलबे को गवर्नमेंट ने अपने कब्जे में ले लिया। फिर ये क्रैश हुए यूएफओ के मलबे के साथ क्या होता है, ये किसी को भी नहीं पता। दोस्तों, इसकी शुरुआत आज से तकरीबन 15 साल पहले हुई थी। 2007 की शाम की बात है, अमेरिका के एक छोटे से इलाके में एक बड़ा सा उड़नतश्तरी एक इलाके में दिखाई दिया, जो कि एक फुटबॉल की तरह का था, बिल्कुल गोल, और ये जमीन से काफी दूरी पर था, पर फिर भी ये जमीन से काफी बड़ा नजर आ रहा था। इसको देखने के लिए बहुत से लोग जमा हो गए। फिर एकदम से ये यूएफओ गिरना शुरू हो गया। लोग समझ गए ये जो कुछ भी है ये क्रैश हो गया है और ये यूएफओ गिर रहा है। फिर उसी जगह पर यूएसए की सर्च टीम पहुंच गई और इस बात को ज्यादा फैलाया नहीं गया, क्योंकि ये लोग जानते थे कि ये एक नॉर्मल क्राफ्ट नहीं है, ये कुछ ऐसा है जो हमारी जमीन से नहीं मिलता जुलता। जब इस स्पेस क्राफ्ट का मुआयना किया गया तो वहां पर किसी की बॉडी मिली। जब इस बॉडी को चेक किया गया तो वो एक इंसान नहीं था, बल्कि वो एक एलियन था जो कि दूसरी दुनिया से आया था और उसमें एक एलियन था। डेविड ग्रश ने अमेरिका की गवर्नमेंट के सामने ये बयान दिया और कहा कि अमेरिका के पास एलियंस की बॉडी मौजूद है जिनको ये मुख्तलिफ कामों और मुख्तलिफ मिशन के लिए इस्तेमाल करती हैं। इन लोगों ने इन एलियंस को दोबारा से जिंदा करने की कोशिश भी की और यूएफओ को ठीक करने की कोशिश भी की। दोस्तों, अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सा मैप दिखाती हूँ। ये है रिपोर्टेड यूएफओ साइटिंग्स का डेटा, इसमें बहुत सालों का डेटा जमा है। इसमें आप देख सकते हैं जितने भी अब तक के यूएफओ देखे गए हैं ये सब 90% अमेरिका की तरफ ही देखे गए हैं। ये जो गवर्नमेंट ऑफिसर है इनका कहना है कि हम प्लेन उड़ा रहे थे तो हमारी साइड से बहुत तेजी से कोई एयरक्राफ्ट गुजरा। इस एयरक्राफ्ट से कोई धुआं नहीं निकल रहा था और इसकी शेप भी बिल्कुल मुख्तलिफ थी। ये बिल्कुल गोल शेप में था और इसकी स्पीड किसी भी मैन ऑब्जेक्ट से बनाए गए क्राफ्ट से कहीं ज्यादा थी। तब ये बात माइंड में जरूर आती है कि ऐसी टेक्नोलॉजी कैसे हो सकती है। डेविड ग्रश ने जो जो बातें बताई हैं ये कोई आम बातें नहीं हैं, इसलिए इन पर गवर्नमेंट की तरफ से केस भी कर दिया गया। पर बात यहाँ पर आकर रुकती है, इनके पास कोई सबूत नहीं है और ना ही ये कि इन्होंने एग्जैक्ट लोकेशन को देखा है जहाँ पर एलियंस की बॉडीज मौजूद हैं। इस पे अमेरिकन गवर्नमेंट ने ये प्रूव किया है कि इसकी बातें बेबुनियाद हैं। उन्होंने एक न्यूज मीडिया को ये भी बताया कि अमेरिका की जो गवर्नमेंट है इसके पास एक बहुत बड़ी UFO मौजूद है। Do you believe that our government is in possession of UAPs? Absolutely, based on interviewing over 40 witnesses over 4 years. I know the exact locations. Were they, I guess, human or non-human biologics?
non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program. जिसको कि ये काफी सालों से मुख्तलिफ कामों में इस्तेमाल करते आए हैं और मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट करते आए हैं. तो क्या दोस्तों एलियन सच में मौजूद हैं? सबसे बड़ा तो सवाल ये है, पर इसका जवाब तो शायद ही किसी के पास ना हो. लेकिन इतनी बड़ी यूनिवर्स में कहीं ना कहीं एलियंस या दूसरे लोग तो मौजूद होंगे. इसके चांसेस 99% है, क्योंकि आप जितना इमेजिन भी नहीं कर सकते यूनिवर्स का साइज उससे अरबों गुना ज्यादा है. जबकि ये यूनिवर्स बनी है तब से ये यूनिवर्स आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है. बहुत सारे मुल्क इस उम्मीद में अलग अलग टेलीस्कोप लगाकर बैठे हैं कि शायद कोई सिग्नल मिले जो दूसरी दुनिया से आ रहा हो. ये टेलीस्कोप बाहर के सिग्नल को कैप्चर करती है और हिस्ट्री में वाओ सिग्नल और ना जाने कितने सिग्नल कैप्चर भी हुए थे, जो कि साइंटिस्ट ने कन्फर्म भी किए कि वो दूसरे सियारे से सिग्नल आ रहे हैं जमीन पर. यानी कोई और मखलूक जिसके पास बिजली टेलीस्कोप है और इसके जरिए वो जमीन पर रेडियो वाइब्स भेज रहे हैं. यानी एक ऐसा सियारा जहाँ पर जिंदगी हो, क्या ऐसी जगह इस यूनिवर्स में कहीं ना कहीं मौजूद है? अगर एलियंस के दिखने की बात की जाए तो इंडिया में भी बहुत जगह UFO देखा गया. 1951 में 15 मार्च को सुबह 10:21 पर न्यू दिल्ली में एक सिगरेट की तरह का एक ऑब्जेक्ट आसमान पर लोगों को दिखाई दी. वो कुछ देर तक वहाँ था, फिर गायब हो गया. इसके अलावा केरला, आगरा, उत्तर प्रदेश, कोलकाता, ये सब जगहों पर सबसे ज्यादा बार UFO को देखा गया. दोस्तों दुनिया में दो तरह के लोग हैं, जो एलियंस के वजूद को मानते हैं और वो जो एलियंस के वजूद को नहीं मानते. पर आप इनमें से किन में हो हमको कमेंट्स में जरूर बताइएगा. अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके. खुदा हाफिज़.